ये जुगाड़ से बनाया गया एक वेंटिलेटर है जिसे कश्मीरी युवा वसीम अहमद नदाफ ने तैयार किया है। महंगे वेंटिलेटर की तरह ये भी स्वस्थ इंसान के सांस लेने की रफ्तार की नकल करता है और उसी अनुपात में हवा को पंप करता है। When this pandemic started, जब ये महामारी शुरू हुई उस वक्त मैंने कश्मीर के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि हमारे यहाँ सिर्फ 72 वेंटिलेटर हैं। ये मार्च की बात है। मुझे लगा कि पूरा देश वेंटिलेटरों की कमी महसूस करेगा। महामारी की वजह से बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो चुकी थी, इसीलिए मुझे कोई हल निकालना पड़ेगा। और इसके बाद वसीम ने धीरे धीरे वेंटिलेटर के लिए जरूरी चीजें जुटानी शुरू की। उन्होंने पुराने प्रिंटर को खोल दिया, कंप्यूटर का सीपीयू भी खुला। प्रोटोटाइप घर पर मौजूद पुरानी चीजों को रिसाइकल कर बनाया है। इसमें साबुनदान, ड्राई फ्रूट बॉक्स, सीडी ड्राइवर और पुराने प्रिंटर की मोटर लगी है। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में असमर्थ इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। मरीज की कंडीशन के मुताबिक वेंटिलेटर का ऑक्सीजन फ्लो नियंत्रित किया जाता है। वसीम ने बाहर छूटती सांस से निकलने वाली इन्फेक्टेड बूंदों को भी सोखने का इंतजाम किया है। इसे बनाने के पीछे मेरा मेन आइडिया ये था कि इमरजेंसी की नौबत आने पर स्थानीय तौर पर हम ऐसे वेंटिलेटर कैसे बना सकते हैं। पहले स्थानीय लोगों की मदद की जाए और फिर इस मॉडल को दूसरे इलाकों और राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। different regions, different state. वसीम ने वेंटिलेटर बनाने में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को व्यवस्थित तरीके से भी पेश किया है। उनकी दीवार पर लगे नोट्स भी प्रक्रिया की जानकारी देते हैं। भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना वायरस के चलते हालात नाजुक हो चुके हैं। आशंका है कि जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस भारत में अपनी पीक पर पहुंच सकता है। छोटे शहरों और गांवों में अगर कोरोना तेजी से फैला तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली हालात को और बदतर कर सकती है।